नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। संसद सत्र में आज सातवें दिन की कार्यवाही चली, लेकिन संसद सत्र के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन उच्च सदन राज्यसभा में विपक्ष के नेता के तकरार के बाद उन्हें आसन की ओर से सख्त चेतावनी दी गई। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने नाराज होकर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को कड़े लहजे में समझाया। जगदीप धनखड़ ने कहा कि मेरे में बहुत सहन शक्ति है, मैं खून के घूंट भी पी सकता हूं। मैंने क्या क्या किया है, कितना बर्दाश्त किया है और आप पट से खड़े होकर कुछ भी कह देती हैं। ये देखिए आप रिपोर्ट और जानिए आखिर क्या हुआ था मसला के भड़क गए सभापति जगदीप धनखड़। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान चर्चा के दौरान मंगलवार को सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और चेयरमैन जगदीप धनखड़ के बीच लंबी बहस हो गई। इस दौरान चेयरमैन के एक बात पर खड़गे ने कहा कि आप मुझे मंदबुद्धि बता रहे हैं। धनखड़ ने कह दिया कि आपके दिल में चेयरमैन के प्रति इतनी नफरत भरी है, इससे पहले ऐसे कभी नहीं देखा गया। दरअसल सदन में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी भाषण दे रहे थे, मोदी सरकार को उनके वादे याद दिला रहे थे। उन्होंने काले धन वापस लाने, 2 करोड़ रोजगार देने जैसे पीएम मोदी के कई वादों की चर्चा की। इसी दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की पिछली सरकारों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमत काफी कम हो गई थी, बावजूद इसके इस सरकार ने देश में तेल के दाम नहीं घटाए। उन्होंने कहा कि हो सकता है पीएम मोदी ने अपने कुछ दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया। इस पर चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने आपत्ति जताई और कहा आपके पास सबूत हो तो ही अपनी बातें कहें। इस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश खड़े हो गए, वे चेयरमैन की बातों को काटने लगे। इस पर धनखड़ ने कहा कि जयराम आप बहुत प्रतिभाशाली हैं, आप बहुत हिम्मती हैं, आपको तुरंत खड़गे की जगह विपक्ष के नेता का पद लेना चाहिए क्योंकि आप कुल मिलाकर खड़गे का ही काम कर रहे हैं। इस पर खड़गे खड़े हो गए, उन्होंने चेयरमैन की बातों पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि आपके दिमाग में आज भी वर्ण सिस्टम है, आप इसी कारण रमेश को प्रतिभाशाली बता रही हैं और मुझे मंदबुद्धि बता रहे हैं, इसी कारण आप कह रहे हैं कि मेरी जगह उनको बैठना चाहिए। खड़गे दलित समुदाय से आते हैं। यू शुड रिप्लेस, वन सेकंड जयराम रमेश, यू आर सो इंटेलिजेंट, सो गिफ्टेड, सो टैलेंटेड, यू शुड इमीडिएटली कम एंड टेक सीट इन प्लेस ऑफ मिस्टर खड़गे, बिकॉज बाई एंड लार्ज यू आर डूइंग हिज जॉब। सर मेरा टाइम का ध्यान रखिएगा, मेरे टाइम का। खड़गे जी आप सोचिए, खड़गे जी, खड़गे जी डोंट ब्रिंग दैट वर्णा, स्टिल इन योर माइंड दैट वर्णा सिस्टम इज देयर, दैट्स व्हाई यू आर कॉलिंग रमेश इज अ वेरी इंटेलिजेंट, वेरी दैट एंड आई एम डल, सो दैट नो, वन सेकेंड, बैठिए खड़गे जी, खड़गे जी बैठिए, बैठिए एक बार बैठिए खड़गे जी, खड़गे जी मैं एक सेकेंड प्लीज, नहीं नहीं सुनिए, एक बात सुनिए खड़गे जी, आप मेरी बात को नहीं समझ पाए, जितना मैं आपका आदर करता हूं उसका एक अंश भी आप मेरे लिए करेंगे दिल को टटोल कर तो आपको महसूस होगा। मैंने कहा क्या है, मैंने ये कहा है कि जब सुन तो नहीं रहे आप, जब प्रथम पंक्ति के अंदर आप जैसा व्यक्तित्व है, 56 साल का अनुभव है, उनको भी हर कदम के ऊपर जयराम रमेश टिक्का टिप्पणी करके मदद करना चाहते हैं। अभी देखिए एक प्रॉब्लम है जिसको आपको सॉल्व करना है, आपको मैंने बहुत अनुरोध किया है। इतना ही नहीं, इसके बाद सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तीखी बहस भी हो गई। इस दौरान सभापति ने खड़गे के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आपने कुर्सी का जितना अपमान किया है उतना किसी ने नहीं किया। धनखड़ ने चेतावनी देते हुए कहा कि आप हर बार कुर्सी को नीचा नहीं दिखा सकते। मेरे को बनाने वाले यहाँ बैठे हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी, ना रमेश बना सकता है ना आप बना सकते हैं, जनता ने मुझे बनाया। खड़गे जी मैं उस स्तर पर नहीं आना चाहता, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, नहीं नहीं सुनिए 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 नहीं 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 बैठिए बैठिए
You cannot every time run down the chair. You cannot every time show disrespect to the chair. आप अचानक खड़े होते हैं और कुछ भी कह देते हैं, मेरी बात को समझते भी नहीं है. Never, never in the history of this country, never Khadge ji in the history of parliamentary democracy and Rajya Sabha proceedings, there has been such disregard of the chair as from you. You are forcing me. And I have said so on a number of occasions. You take it in a manner which is wrong. Time for you to reflect. Now, please, मेरे में बहुत पेशेंस है, बहुत सहन शक्ति है, खून की घूंट पी सकता हूं. मैंने क्या क्या बर्दाश्त किया है, कितना बर्दाश्त किया है, और आप फट खड़े होकर कह देते हैं, अरे आपको खड़गे जी आपको किनने बनाया है, ये आप अपने आप जाने. मैंने एक मुद्दा उठाया छोटा, चिदम्बरम जी प्लीज डोंट डू इट. मैंने जो मुद्दा उठाया, कैसे आपने ट्विस्ट किया, अंदाजा लगाइए. मेरे को भी पीड़ा होती है इतने सी. नो अगेन देयर इज अ 24/7 फंक्शनल पर्सन. और ऐसा नहीं है खड़गे जी, इतने मौके आए हैं जब आपकी प्रतिष्ठा को कितना बड़ा धक्का पीछे से लगा है, मैंने देखा है. मैंने आपकी प्रतिष्ठा को बचाने की कोशिश की है और आप मुझे लांछित कर रहे हैं. कल का दिन कितना भयानक था, आपने रिग्रेट एक्सप्रेस कर दी, अच्छी थी. सर ऐसा मत कीजिए, मैं सिंपल आदमी हूं, झुककर चलता हूं, जितना झुक सकता हूं झुकना चाहता हूं. कोई कहे मैं ज्यादा झुकता हूं, ठीक बात है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए. अब देखा जाए तो ये पहली बार नहीं है जब सभापति जगदीप धनखड़ इस तरह गुस्से में आए हों. ऐसा पहले भी हो चुका है, हालांकि इस बार जो हुआ वो पहले से काफी अलग था. राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ये जंग काफी चर्चा बटोरने वाली है. फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही. देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ. हर खबर आपके साथ, आपके हाथ.